कि हमेशा आपके लिए जो मंथराएं भ्रमित कर देंगी, इसलिए उनकी बात नहीं सुनना। परंतु वर देने के लिए जब खुशी हो जाती है तो वर दे देते हैं, और जब वो वर मांगने लगते हैं तो बगले झांकने लगते हैं। इसलिए एक ध्यान रखना, वर के लिए नहीं, किसके लिए ना, शोक में। जब शोक में डूब जाता है व्यक्ति तो समय भी सब कुछ भूल जाता है। शोक में रामचंद्र जी भी भूल गए। कितने बड़े विद्वान थे रामचंद्र जी, लेकिन लक्ष्मण के शोक में सब कुछ भूल गए, और 6 महीने तक उनके शव को कंधे पर रख करके घूमते रहे। किस में भूल गए? शोक में। लेकिन हमारे जो भगवान होते हैं, न हर्ष होता है न शोक होता है। वही रामचंद्र जी जब दीक्षा ले लेते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो काम क्रोध लोभ मद हर्ष और शोक, इन सबको रामचंद्र जी ने जीत लिया। इसलिए आज हमारे वो भगवान हैं, इष्ट हैं, और हम पद्म पुराण पढ़ करके भगवान राम की उपासना करते हैं। और भगवान एक, लेकिन हमारी उपासना पद्धति में वही है कि जब वो साधना करते हैं तो हम उपासना करते हैं, अगर वो साधना नहीं करते तो हम उपासना, क्योंकि हमारे यहाँ साधना का महत्व है। सबसे बड़ी साधना होती है, इसलिए बड़ी साधना क्या है, जो काम को जीत ले वो सबसे बड़ी साधना। इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, चित्रम के मत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर अत्र किम चित्रम। यहाँ क्या आश्चर्य कि 3 देवों की अप्सराओं ने उनके मन को डिगा नहीं पाया, लेकिन डिगने वाले तो ऐसे ऐसे हो गए जो तपस्या छोड़ करके पीछे पागल बन गए। किसके पागल बन गए? एक छोटी सी कहानी है, टाइम शायद अभी नहीं हुआ है, सुना दूं क्या? सुना दूं। एक राजा श्रेणी की पत्नी थी रानी, क्या नाम था उसका? चेलना। देखो सबको पता है ना, अब काय को सुनाए हम। चेलना का एक लड़का था, उसका क्या नाम था? बारिश। बारीसेन का एक मित्र था जिसका नाम पुष्पडाल था, और बारीसेन ने दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। वो नगर में आहार करने आए तो पुष्पडाल उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो पुष्पडाल सोचता था कि ये हम कह देंगे कि अब लौट जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि लौट जाओ। क्यों नहीं कहा लौट जाओ? क्योंकि साधु कभी किसी को लौटने की बात नहीं कहते। अब नहीं कहा, चला गया, बताता गया यहाँ पर अपन गड़ा गेम खेलते थे, यहाँ पर अपन जो है ना बाल चली जाती थी जब क्रिकेट की अपनी, समय तो क्रिकेट नहीं चलती होगी, तो अपन ढूंढने वहाँ तक चले जाते थे, और फिर अपन लौट करके घर जाते थे, यहाँ तक अपन खेलने आते थे, सब बताया, मगर उनने कुछ नहीं बोला। आखिरकार वो भी साथ में चला गया। प्रभावित तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हो गया था। अब क्या करें? तो उसने कहा हम भी दीक्षा ले रहे हैं। उसने दीक्षा ले ली, पुष्पडाल मुनि बन गया, लेकिन उसको अपनी पत्नी याद आ रही थी, जिस पत्नी की एक ही आंख थी सिर्फ। कितनी आंख थी? एक आंख थी। सुनी ये कहानी तुम लोगों ने? किस किस ने सुनी? हाथ उठा। 1-2 बस, 2-3 आदमी, 4 आदमी, नहीं तो हमारा सुनाना बेकार चला जाए। तो अब क्या हुआ कि बारीसेन जी समझ गए
कि इसका मन आत्मा में नहीं लगा, परमात्मा में नहीं लगा, इसका मन वैराग्य में नहीं लग रहा है, इसका मन अपनी पत्नी में लगा हुआ है। तो आहार करने निकले तो रनवास में चले गए, पुष्पदान भी रनवास में चले गए आहार करने। आहार दिए, आहार होने के बाद बारिशण कहते चेलना जी से, मातेश मातोश्री मेरी चारों रानियां बुला दो। चेलना बड़े अफसोस में पड़ गई, क्या हो गया बारिशण को, अब क्यों याद आ रही, इसमें तो दीक्षा ले ली ना, महावीर का भक्त बन गया है, क्यों बुला रहा है।